सबसे पहले क्या था Thank you, Swami ji. Great to have you with us. Thank you, Vendra Paul ji. Great to have you with us. And the honorable guest as well, Ditya ji. Thank you for inviting us. And thank you all of you for giving me the opportunity to just say a few words. All I can say, and Sankalp is here. Thank you, Sankalp Singh ji as well. And the team has come from India. I will not take too much of your time. Just like to say a few words. You are the future of today and your future of tomorrow. Students from India who are studying here in London. Devkinandan Thakur ji, aap shayad sabhi jante honge, he is a very top big orator in India, having huge followers over there. So let us have a big clap for Devkinandan ji. It's his first time in London. क्यों इंग्लैंड में आके राधे राधे बोलना भूल गए? एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई एम इंडियन, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक इन माय मदर लैंग्वेज। राधे राधे, जोर से बोलिए, राधे राधे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वीरेंद्र शर्मा जी को और हमारे बिकली सिंह जी को और आदित्य प्रताप जी को और जितने भी उपस्थित यहाँ पर हैं, हमारे डॉक्टर साहब हुए, हमारे दीपक जी हुए और एवरीवन, हमारे अरुणा साहब हुए। आप सब युवाओं से मिलकर मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है और स्पेशली इंग्लैंड में मिलकर। देखिए, भारत में तो हम मिल ही लेते हैं पर भारत से बाहर, मैं अभी अरोड़ा साहब से बात कर रहा था कि हम युवाओं के लिए वर्क करते हैं, वर्क करना चाहते हैं। युवा क्यों? एवरी कंट्री नीड्स मेंटली अलर्ट and physically fit alert man, then country has progress, no doubt. जहां दोनों तरीके से स्वस्थ चाहिए, health भी स्वस्थ रहे और mind से भी स्वस्थ रहे। Nowadays is biggest problem, health से तो हम फिर भी ठीक ठाक हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, पर mentally we are disturbed. आप सोचिए, हम सोच क्या रहे हैं, हम जा कहां रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, व्हाट इज आवर गोल? आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, एवरीवन नीड्स मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। हम लोग कर क्या रहे हैं? पैसे के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। वेयर इज आवर कल्चर? हमारा कल्चर कहां, हमारी सभ्यता कहां, हमारे संस्कार कहां है? हमें पूरे विश्व में, मैं भारतीयों से निवेदन करूंगा, हमारे पूरे विश्व में हमें लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम अपने संस्कारों से संपन्न हैं। हमें इसलिए याद नहीं करते कि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कि हमारे पास बहुत ज्यादा मनी है, कि हमारे पास बहुत ज्यादा मकानात है, दुकानात है, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, या हम लोग लुक वाइज वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल है, इसलिए लोग हमें याद नहीं करते। हमसे ज्यादा दुनिया में भरे पड़े हैं, हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, हमसे ज्यादा वो रिच है, हमसे ज्यादा उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है। अगर उनके पास सब कुछ नहीं है हमसे ज्यादा, तो वो है हमारा कल्चर, वो है हमारी सभ्यता, वो है हमारे संस्कार। लेकिन आजकल हमारे संस्कारों का हाल क्या है? जब हम लोग हेथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमें लगता है कि अब हम इंग्लैंड के हो गए, और जब हम वापस भारत के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो फिर से लगता है कि नहीं, हम लोग भारतीय हैं। फिर लौट के आ जाती वो हमारी संस्कार वाली फीलिंग, भावनाएं। मैं ये कहता हूं कि पूरे विश्व में आप कहीं भी रहिए, स्पेशली बेटियां, आप कहीं भी रहिए,
लेकिन मत भूलिए अपने उस बूढ़े बाप की फीलिंग्स को, जिन बूढ़े पिता ने रात दिन मेहनत करके अपने खाने की भी चिंता किए बगैर, अपने सारे सुख सुविधाओं को भूलकर, सिर्फ इसलिए आपको लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए कि जाओ आप अपने जाके सपने पूरे करो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, शायद युवाओं से बोल रहा हूं, इसलिए मुझे भगवान ने मेरे सामने ही अभी एक दृश्य उपस्थित किया, यहीं इसी स्थान के जस्ट सामने मैंने एक भारतीय बेटी को देखा स्मोक करती हुई। ठीक है, आपकी लाइफ है, और मे बी वो हो सकता है वो भी पढ़ने आई हो, मे बी, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं जो मैं कह ही दूं कि वो ऐसी थी, पढ़ने ही आई होंगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी है, वो चाहे जो करे उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक बार आप सभी पिता बन के सोचिए कि जिस पिता ने एक बेटी को लंदन भेजा हो पढ़ने के, जाओ कुछ करके आओ, अपने बाप का नाम रोशन करके आओ, क्या वो भारतीय पिता ये कल्पना करेगा कि मेरी बेटी वहां जाके स्मोक करे या ड्रिंक करे या कुछ और करे? अगर एक पिता की जिम्मेदारी है, मैं बेटों में भी इन्वॉल्व कर रहा हूं इसे, ये सब बेटों के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि आपके ऊपर खर्चे आपने अपने आप नहीं किए, आपके पिताजी ने ही किए। और हमारे ऊपर जो आजकल एक प्रॉब्लम है ना, जो कहते हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, नो माई डियर, इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स नॉट योर चॉइस, वी आर लिविंग इन वन सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सोसाइटी को गंदा ना करें। जिस सरोवर का पानी हम पीते हैं उस सरोवर को हम गंदा नहीं कर सकते, कर सकते? जिसका पानी हमें पीना है क्या हम उसे गंदा कर सकते हैं? अरे आप हिंदी तो समझते ही हो, बता तो दो, है नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो पानी हमें पीना है, और जब हमें पीना है तो हमें वो स्वच्छ रखना होगा। ये समाज एक सरोवर है, और मेरे आचरण से ही वो स्वच्छ और अस्वच्छ होगा। अभी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, आपको मालूम ही है, 35 टुकड़े वाला, हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इंग्लैंड में हैं, ज्यादा इस पे हम बात नहीं करें क्योंकि हमें कुछ और, चलिए हम काम की बात करते हैं। प्रत्येक बेटा और प्रत्येक बेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है माँ बाप, जिन माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ के पैदल चलना सिखाया, जिन माँ बाप ने हमें दुनिया में पहला वर्ड सिखाया, जिन माँ बाप ने हमें दुनिया दिखाई कि ये दुनिया है, ये संसार है, उस माँ बाप के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, इसका मतलब एहसान फरामोश, यही हुआ ना, एहसान फरामोश है, तुमने जो किया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गुस्से कोई मतलब नहीं। कई तो बच्चे कह भी देते हैं, बोले को एहसान किया है क्या, ये तो हर माँ बाप करते हैं। अरे हर माँ बाप तो ये करते ही हैं, पर हर बच्चे को क्या करना चाहिए? सोचने वाली बात ये है कि हर माँ बाप तो वही करेंगे कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे आपको आगे बढ़ाएंगे, बट व्हाट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए? यही सिखाती है रामायण, यही सिखाती है भागवत। आप सबसे मेरा एक आग्रह है, दुनिया के किसी भी कोने में रहना, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपका यंगर ब्रदर या ओल्डर ब्रदर, जो समझो, वेल विशर समझ के मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जो यहां पर बैठे हैं वो इस संसार के टॉप मोस्ट जगहों पर जाएं, अपने देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कभी मत भूलना आप भारतीय हो, कभी मत भूलना आपका कल्चर क्या है, कभी मत भूलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके देश के प्रति भी है, जिस देश से आप कहे गए यू आर भारतीय कह लो, ये तो इंडियन बना के आए हमें, इंडियन तो ये बना के ही आए, अगर हम भारतीय बने रहें। और दूसरी बात, क्या आपको इंग्लैंड में तिलक लगाने से कोई रोकेगा? रोकेगा? मैम ने लगा रखा है, तिलक लगा रखा है ना, आई लाइक इट, ताली तो बजाओ इनके लिए, तुमने नहीं लगाया, उन्होंने लगाया। अब बताइए हमारा कल्चर है कि नहीं कि हमको तिलक लगाना चाहिए, हमको शिखा रखनी चाहिए? जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का ये कल्चर है कि वो बिना टोपी के कहीं नहीं जाएंगे,
जब उनके नवाज का टाइम हो जाएगा वो जहां होंगे वहां नवाज अदा करेंगे। हमारा कोई कल्चर है इस समय क्या? हमारा आज मंगलवार है तो आज हम यहाँ बैठ के फलानी जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या हम काशी का व्रत रखेंगे? कौन कौन आज व्रत रखे हुए? मैंने रखा हुआ है, पर आपने रखा है? सुबह से इन लोगों की प्रॉब्लम बना हुआ हूं जो मुझे यहाँ इंग्लैंड में लेके आए, बोलिए फास्ट है खाएंगे क्या? तो हमने कहा हम चाहे कुछ भी ना खाएं लेकिन फास्ट हम रखेंगे बिकॉज है बिकॉज वी आर भारतीय, इसलिए हमें फास्ट रखना है। पर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप सबके ऊपर मेरे भारत का नाम रोशन करने का पूरा जिम्मा है। आप जिस गली से निकलेंगे, आप अच्छे काम करते हुए निकल जाएंगे, कहेंगे देखो एक भारतीय अच्छा बच्चा जा रहा है। और कहीं किसी गली में अगर आप गलत काम करेंगे तो कहेंगे कि भारतीय ने एक गलत काम कर दिया। तो आप अच्छा काम करेंगे, न सिर्फ आपके माता पिता का नाम रोशन होगा बल्कि मेरे भारत का नाम रोशन होगा, आपके भारत का नाम रोशन होगा। और इसीलिए आप भारतीय कहलाए जा रहे हैं और इसीलिए आपका सम्मान जो होगा। तो मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, माथे पे तिलक, गले में कंठी और जीवन में भलाई कर्म करने का संकल्प। हेल्प अदर्स देन विल गॉड विल हेल्प यू, नो डाउट। हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये लाइफ मेरे लिए है, मुझे मेरे लिए कमाना है, मुझे मेरे लिए खाना है। आजकल के लोगों की अच्छी लाइफ क्या है? अच्छी सी नौकरी, अच्छा सा पार्टनर और लंदन में एक घर, बाकी जाओ सब। ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ नहीं है। एक बात में आप ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा मैं आपका, एक्चुअली आप यंग हैं इसलिए आपको छोड़ने का मन नहीं कर। मैं भी यंग हूं पर आप मेरे से ज्यादा यंग हैं इसलिए आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कभी कभार मुझे देखे होंगे टीवी पे या यूट्यूब पे या हियर एंड देयर, आई डोंट नो। लेकिन मेरे को एक संकल्प मैंने पिछले काफी सालों से लिया हुआ है कि मैं अपने सामने जब युवा देखूंगा तो मैं वर्क करूंगा, मैं काम करूंगा। आपका सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो आपका संग है, आपका मित्र अगर कोई है तो वो आपका संग है। अगर आपका संग अच्छा है तो आपको अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपका संग गलत है तो आपको गलत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर जब आप फंसोगे तो जो तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डालकर पार्टी करने जाते हैं, जब फंसोगे तो वो आपका फोन नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन जब तुम्हारी जेब में पैसा आ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? हमारे ही क्लासमेट है, हमारे ही साथ पढ़ता था, भूल गया अब तू? तू है ही भूलने लायक, तेरे जैसे को याद करके करेंगे क्या? तूने ऐसा किया क्या जो तुझे याद करे? कुछ भी नहीं किया। हमारे लोगों की ये बात हमेशा युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे किसी भी कर्म से, किसी भी कर्म से अगर किसी की हेल्प हो सके तो मुझे अवश्य करनी चाहिए। मेरे कर्म से अगर मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो सके तो मुझे अवश्य करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुना के, एक मिनट की है, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगा और आप उसे चाहे तो जीवन में उतार लीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा था 10 साल का, और 10 साल का बच्चा अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। होता है ना हमारे यहाँ अगस्त में लोग पतंग उड़ाते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं और सब लोग सोचते हैं सबसे ऊंची पतंग मेरी उड़नी चाहिए है? तो वो पतंग उड़ा रहा था, पिताजी ने वो चरखी पकड़ी हुई थी जिसमें वो क्या होता है वो धागा माजा, माजा जो था, अब वो उड़ा रहा था। तो वो कहता था पिताजी और छोड़ो, वो छोड़ते थे। बोले पिताजी और छोड़ो, वो छोड़ते थे। पिताजी और छोड़ो, वो छोड़ते गए। अब सारा माजा उन्होंने छोड़ दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। पिताजी एक और पतंग ऊपर है, और छोड़ो। बोले बेटा हो गया, इतना ही था, डी एंड। बोले नहीं 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 छोड़ो। बोले भाई नहीं तो कहां से छोड़ो? बोले तो काटो, इससे तो ऊपर ही उड़नी चाहिए। अब उसे ये भी नहीं पता कि अगर कटेगी तो होगा क्या। बोले मुझे नहीं मतलब, तुम काटो, मेरी तो ऊपर ही उड़े। काट दी, उड़ गई ऊपर, पर थोड़ी गई और धड़ाम से नीचे आ गई। वो रोने लगा बच्चा, पापा मेरी तो कट गई, मेरी तो गिर गई। पापा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, कटवाई किसने? तुम्हारी किसी ने नहीं काटी,
तुम्हारी तुमने काटी। जब तक पतंग उस पतंग की डोर मांझे में हो और डोर किसी अच्छे हाथों में हो तो वो कभी कटती नहीं, कटती जब ही है जब गलत हाथों में चली जाए। वैसे ही ये जिंदगी है, जब तक ये जिंदगी संस्कारों की डोर से बंधी रहेगी तब तक आपकी जीवन की पतंग को कोई काट नहीं सकेगा। कटेगी तब जब हम ये सोच लेंगे कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, हम जो चाहे सो कर लें, कोई देखे ना देखे माय डियर वो देख रहा है और वो हर जगह देख रहा है। ही नोज एवरीथिंग, ही सीन एवरीवेयर। इसलिए देश में रहो विदेश में रहो लेकिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। यही शुभकामना आप सबको करते हुए भगवान से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। नहीं, जो पाकिस्तान से वो अपना कल्चर फॉलो करें, अलग अलग कल्चर से वो अपना अपना कल्चर फॉलो करें, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कथाओं में हमेशा कहता हूं, हमेशा, अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो देखा हो, जिन्हें चादर चढ़ाने के लिए पैदा किया है उन्हें चादर जरूर चढ़ानी चाहिए और जिन्हें सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है उन्हें सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए। यू रिस्पेक्ट योर कल्चर, आई रिस्पेक्ट माई कल्चर। कोई कहीं से है और किसी के भी कल्चर में किसी को हर्ट करना नहीं सिखाया, किसी का मर्डर करना नहीं सिखाया, किसी के घर में चोरी करना नहीं सिखाया, किसी के घर के बच्चे को लेके भाग जाना नहीं सिखाया। अगर वो है तो वो कल्चर नहीं, वो कल्चर नहीं है, वो मानवता की सेफ्टी नहीं है। मानवता की सेफ्टी हमारे भारत में जो हमारे यहां शास्त्र सिखाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। सब सुखी हो, सब आनंद में हो, सब मंगल में हो, सब कौन, नॉट ओनली भारतीय, ऑल ब्रह्मांड, और न सिर्फ जीव मनुष्य पशु पक्षी भी। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को, ये हमारा कल्चर। इस कल्चर को इंग्लैंड में भी फॉलो करो, गाय नहीं मिलेंगी तो किसी गरीब को खिला दो, कुत्ते तो हर एक घर में मिलेंगे, बेडरूम में मिलेंगे, तो कुत्तों को खिलाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आई एम सॉरी टू से, मैं कुत्ता किसी और से नहीं कह रहा हूँ, जो छोटे छोटे हम लोग गोद में लेके घूमते हैं मैं उन्हीं से कह रहा हूं। और जो बैड विचार देता हो, बैड थिंकिंग देता हो, आखिरी रोटी उसको भी खिला सकते हो आप। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Yeah.